अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ौक ज़ायका ज़िंदगी बाय आईक्यू। मैं इफ़त आज हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर रमज़ान के हवाले से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हमें शाबान का महीना देखना नसीब फरमाया है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतें भी अता फरमाए। रमज़ान के हवाले से मैंने आज जो रेसिपी रखी है वो है मिक्स पकौड़े। बहुत आसान है, डेली खाए जाते हैं, हमारे ट्रेडिशन में शामिल हैं। बहुत आसान रेसिपी है। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। मिक्स पकौड़ों के लिए हमें चाहिए एक बड़े साइज़ की प्याज, एक दरमियाने साइज़ का आलू, दो हरी मिर्चें, तकरीबन एक टीस्पून कुटा हुआ धनिया, इसे मैंने सिगरी निकाल ली है धनिया की, एक चुटकी मीठा सोडा, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च चाहिए पिसी हुई तकरीबन 1.5 टीस्पून, डेढ़ चम्मच चाय के, नमक चाहिए एक चाय का चम्मच, धनिया एक चाय का चमचा, चाट मसाला एक चाय का चमचा, हल्दी चुटकी बराबर। बेसन मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन आधा कप लिया है, लेकिन इसमें से मैंने थोड़ा सा बेसन तकरीबन 2 खाने के चम्मच अलग रख कर लिया है। आधा कप में से 2 खाने के चम्मच मैंने अलग रख लिए हैं, बाकी बेसन ये रहा। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए और पानी चाहिए हमें बेसन को घोलने के लिए। सबसे पहले हम बेसन को घोलेंगे, इसमें ये सारे ड्राई मसाले जितने भी हैं वो ऐड कर दूंगी। इसमें शामिल था नमक, काली लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी। इसके बाद हमने डालना है इसके अंदर एक चुटकी बराबर मीठा सोडा। ये मैंने पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लिया है। आप देखिए, आप स्पून से भी कर सकते हैं ये इस तरह से। आप इससे देख सकते हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा ही रहना चाहिए, आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा रहना चाहिए। अच्छा, इस पॉइंट पे आके मैंने आपको कुछ बताना है। देखिए, रमज़ान में क्या होता है, पकोड़े अमूमन गरम पसंद किए जाते हैं कि गरम गरम जो है वो पेश किए जाएं। अगर हम ये बैटर पूरा बना के और इस पर वेजिटेबल्स डाल देंगे, ये प्याज आलू वगैरह डाल के रख देंगे 15 मिनट पहले या आधा घंटे पहले, तो ये प्याज आलू पानी छोड़ देंगे और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, डालते ही बिखरना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट आपके पास सोल्यूशन ये है कि आप इसको इस पूरे मिक्सर बैटर को बनाइए और ढक के साइड पर रख दीजिए। और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इसमें आप पालक भी शामिल कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, इन वेजिटेबल्स को आप किसी बाउल में डाल के पानी में भिगो दें, साथ में ये धनिया भी आप भिगो दें। वेजिटेबल्स को बाउल में डाला, हरी मिर्च, प्याज, आलू और भिगो दिया, और जब भी आपको इसको फ्राई करना हो आपने इसको स्ट्रेन करना है। ऐसे ही बैटर होगा, आपने इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्ट्रेन कर लिया तो मैंने इसको इसमें डाल देना है, ठीक है। ये इसी तरह से बनेगा और ये फ्रेश रहेगा, भिगोने के बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। हमने इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है प्याज और आलू को, इसमें हमने ये हरी मिर्च भी शामिल कर दी, कुटा हुआ धनिया भी शामिल कर दिया। अच्छा, अब आपने इसको मिक्स करना है। और ये जो ड्राई था, बेसिकली मैंने ड्राई इसलिए अलग किया था, अक्सर वक़ात बेसन पानी छोड़ देता है, तो ये ड्राई जो होता है बेसन इसको बाइंड करने के काम आता है। ये मैंने शामिल करना है, आप देखिए फ़ौरन सब सारी वेजिटेबल्स बाइंड होना शुरू हो गई हैं। और हमने इसी तरह ही इसको फ्राई करना है, ठीक है। देखिए ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम डालना शुरू करेंगे पकौड़ों को। मैंने इसको इस तरह हाथ में लेके हल्का सा प्रेस करना है और डाल देना है। आपने इसे हाथ में लिया, इसको थोड़ा सा प्रेस किया, लेकिन बैटर को मैंने इस तरह से हाथ में लिया और हल्का सा प्रेस कर दिया ताकि ये थोड़ा सा फैल जाए, और इसे डाल दिया। आपने आंच कम कर देनी है फौरन,
जितना टाइम मिले से कि इसमें जो है आलू गल जाए। ये देखिए इसकी वन साइड अच्छे से तरह से बन चुकी है। इसको हम फ्लिप करेंगे इसको हम। आँच आपने दरमिया नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। इतना टाइम मिल जाए इसको कि सभी पटेटोज हैं वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए। बस 2 से 3 मिनट्स तक ये रेडी हो जाएंगे तो मैं इसे शॉर्ट कर लूँगी। आप इसका कलर देख लीजिए, लाइट ब्राउन हो गए हैं। इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छे तरीके से हमने सारा इसका जो ऑयल है वो स्ट्रेन करना है। इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत क्रिस्पी। हमने अपने पकौड़े डिश आउट कर लिए हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत आप देख सकते हैं क्रिस्पी है और बहुत यमी है। अच्छा, इसके साथ इसको हमने सर्व करना है। आप चाहें तो केचप के साथ सर्व करें या रायते के साथ करें या फिर चटनी के साथ करें। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें और इसे इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़ौक ज़ायका ज़िंदगी बाय IQ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। होप कि आपका जो रमज़ान आने वाला है वो अच्छा गुजरे। इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।